11 जुलाई को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए और इसमें डिस्कशन करूंगा कि और जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ही आपको कुछ डेट एक्सटेंशन भी दी गई है। GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, GSTR 10, GSTR 4 रिवोकेशन, बहुत सारी डेट एक्सटेंड हुई है। GSTR 9, GSTR 9 22-23 कुछ पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट कर दी गई है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो डेट एक्सटेंड हुई है पॉइंट नंबर 12 पर आप सीधे चले जाइए। आप नीचे जाएंगे एंड में, एंड के पैराग्राफ पे पॉइंट नंबर 12 में, और यहाँ पर आपके लिए है डेट एक्सटेंड। काउंसिल ने मीटिंग में अनाउंस किया है एमनेस्टी स्कीम, GSTR 4, GSTR 9, GSTR 10, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, डीम विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इशू अंडर सेक्शन 62। तो कब तक मिल रही है आपको ए एमनेस्टी स्कीम? 31 अगस्त 2023 तक। तो अब अगर आप पोर्टल पर जाएंगे तो हो सकता है इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी जो डेट थी 30 जून, वो अभी जा चुकी है, और हो सकता है पोर्टल को फिर से इसको एक्टिव करने में 1-2 दिन लग जाए। यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम अवेलेबल हो गई है, और साथ ही अगर आप मणिपुर स्टेट के रेजिडेंट्स हैं या आपके क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए GSTR 1 और GSTR 3B और GSTR 7 की जो डेट एक्सटेंज कर दी है वो है 31 जुलाई 2023, अप्रैल मई जून के लिए। ये मणिपुर के लिए है। तो आप पूछ रहे थे कि 22-23 की जो GSTR 9 है वो किन के लिए भरना मैंडेटरी है? तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि जो पहले एग्जेम्पशन दी थी अप टू 2 करोड़ टर्नओवर के लिए, आपको GSTR 9 भरना मैंडेटरी नहीं है, वो सेम एप्लीकेबल करा दी गई है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। और 9C के लिए भी 5 करोड़ लिमिट एज इट इज कर दी गई है, कंटिन्यू कर दी गई है। वैसे इस वीडियो में डेट एक्सटेंशन की बात की गई है, बाकी मीटिंग में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। आपको पता है GSTR 1 और GSTR 3B के मिसमैच के केस में आप DRC 01, आपको नोटिस इशू होने लगा और आपको रिप्लाई करना होता है। अब GSTR 3B वर्सेस GSTR 2B के लिए भी अगर मिसमैच होगा तो आपके सामने DRC 01C आपके सामने जल्दी ही आएगा, फिर आपसे उसके मिसमैच का रीज़न पूछा जाएगा। और साथ ही गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन के रूल थोड़े सख्त कर दिए गए हैं। 90% केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, चाहे आपने आधार ऑथेंटिक किया हो या ना किया हो। और जो भी चेंज हुए हैं वो वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।